हेलो दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास के विषय में आज हम तीसरा चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा चैप्टर होगा भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। इसमें हम बात करेंगे भारत के जितने भी यह गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय हुए, उनके द्वारा भारत में किए गए कार्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी प्री में आए हुए क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वन लाइनर। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप लोग खुद देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है, लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र जो है गाजीपुर में स्थित है, और लॉर्ड वेलजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। सबसे पहले हैदराबाद ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद जो है राज्य सबसे पहले वेलजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, और उसी का जो शासक था हैदराबाद का निजाम, उसने सबसे पहले हस्ताक्षर किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब, और वेलजली का सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज हैदराबाद। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के गवर्नर जनरल कौन था जिसने सिविल सेवा का सृजन किया। लॉर्ड कार्नवालिस, कार्नवालिस ने ही सिविल सेवा का सृजन किया था। 1802 ईस्वी में वसीन की संधि किनके बीच हुआ था, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। लॉर्ड वेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय। किसके कार्यकाल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। लॉर्ड वेलजली। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ है, गाजीपुर में। यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दो बार आ चुका है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशाही हो रहे थे, तो ब्रिटिश व गवर्नर वह कौन था जिसने भारत में ब्रिटिश पटाखा को फहराए रखा। वह था लॉर्ड वेलजली। ठगी प्रथा और उसके दमन से संबंधित कौन था, कर्नल स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में। विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में ठगी प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य किस आधार पर हुआ। अवध को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया, कुशासन के आधार पर मिलाया गया 1856 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। बक्सर का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, लॉर्ड वेलजली ने किया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर कौन थे, सर थॉमस मुनरो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बताने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किसके कार्यकाल में किया गया। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया। अब यहाँ पर कुछ विषय दिए गए हैं जिसका संबंध दिया गया है गवर्नर से या गवर्नर जनरल से या वायसराय से, जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है, तो आप लोग देख लीजिए। जैसे बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल से संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिक से संबंधित है, प्रेस पर से प्रतिबंध हटा था चार्ल्स मेटकॉफ के समय, सती प्रथा का निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, स्वायत्त शासन लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुआ था, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था,
तो यह सब बहुत इम्पॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर जॉन शोर निष्क्रियता से संबंधित है। लॉर्ड एलनबोरो ने सिंध का विलय किया था। डलहौजी के टाइम पीरियड में अवध का विलय हुआ था अंग्रेजी शासन में। और लॉर्ड वेलेजली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इनके ही नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड वेलेजली ने किया था। और लॉर्ड डफरन के टाइम पर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड लिटन के टाइम पर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ हुआ था। भारत में अंग्रेजी शासनकाल में प्रथम जनगणना किसके समय हुआ? लॉर्ड मेयो के टाइम पर। लॉर्ड मेयो के टाइम पर सबसे पहला जनगणना हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, जॉन लॉरेंस, और भारत का वह वायसराय जो लंबे समय तक रहा था, तो लॉर्ड लिनलिथगो जो है वह काफ़ी समय तक वायसराय रहा था भारत में, और द्वितीय सर्वाधिक लंबा कार्यकाल लॉर्ड कर्जन का रहा था। तो सबसे लंबे समय तक लॉर्ड लिनलिथगो थे, उसके बाद लॉर्ड कर्जन जो थे उनका द्वितीय सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था। दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल लॉर्ड कर्जन का था। भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में किसके द्वारा सशक्त की गई? लॉर्ड रिपन के टाइम पर। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाने से। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीट्स इंडिया एक्ट का संबंध वारेन हेस्टिंग्स से है, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ्स डलहौजी से है, हड़प नीति और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के टाइम पर आया था, ठगी का दमन किया था ठगी प्रथा का विलियम बेंटिक ने, रिंग पेस्ट की नीति वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, और ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी लॉर्ड होल्डिंग के टाइम पर। ठीक है, यह सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि महात्मा गांधी के गुरु भी माने जाते हैं, राजनैतिक गुरु। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया, लॉर्ड मिंटो, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग। यह क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, वह एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर 1853 में, और यह रेल चली थी मुंबई एवं ठाणे के बीच में 16 अप्रैल को। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कब किया गया? 1858 ईस्वी की घोषणा के द्वारा। अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन था। तो यह सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, उसके लिए शेयर भी करते रहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम मुख्य विस्तार किस समय में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में बहुत अधिक विस्तार हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, और लॉर्ड कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की। लॉर्ड वेलेजली का संबंध सहायक संधि से है, लॉर्ड डलहौजी का संबंध व्यपगत का सिद्धांत से है। 1857 का विद्रोह
लॉर्ड कैनिंग के पीरियड टाइम पीरियड में हुआ था। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, लॉर्ड एलन बरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल से दासों के निर्यात पर कब रोक लगाई गई। 1789 ईस्वी में भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था, लॉर्ड वेलेजली ने। तथाकथित कुशासन के आधार पर किसने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अंग्रेजों द्वारा सिंध की विजय किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड एलनबरो को काल में 1843 ईस्वी। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, जेम्स आउंट्रम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। यह जो हमारा क्वेश्चन है अब हम लोग आ चुके हैं ब्रिटिश शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित कौन थे, सर टॉमस मुनरो, तो यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी को सही परिभाषा क्या इन्होंने दी थी, तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग तथा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यह UPSC में बहुत बार पूछा गया है ड्रेन थ्योरी की परिभाषा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, इंपीरियल प्रेफरेंस। ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था, भारी उद्योगों का अभाव। भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था, लॉर्ड कार्नवालिस ने। लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया, 1793 ईस्वी में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धन निष्कासन के सिद्धांत आर्थिक दोहन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ड्रेन थ्योरी, यह दादा भाई नौरोजी ने दिया था। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक किसने लिखी थी, यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और यह बहुत बार पूछा गया है। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी, यह बताना कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार किसने व्यक्त किया, कार्ल मार्क्स ने। तो यह कुछ क्वेश्चन रहे और आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है भारत के गवर्नर जनरल वायसराय और ब्रिटिश शासन में जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उससे संबंधित। ये सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन थे और इतने सारे क्वेश्चन बहुत आपके लिए पर्याप्त हैं। इतना आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतना अगर आप लोग याद कर लेते हैं, तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, पढ़ते रहिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को आगे आने वाले वीडियोज के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।